हाँ? तो अभी इन्होंने राजा की कहानी सुनाई, तो मैं भी एक राजा की कहानी सुना। ओ गजानन, ओ गजानन, ओ अन्ना सुन जरा, तुम ये उधर मोदी के इधर उधर आओ बैठो। ये गया, ये क्या क्या लगा रखा है दुकान? ये देखो, ये डबल, आओ मैं डबल सीट बैठता हूँ। ये गया नहीं, आप इधर बैठो, मैं गोद में बैठता हूँ। इधर से आप, मेरे गोद में बैठता हूँ। बोलना चल रहा है को ना बोल। ये एक तो दिल्ली का सत्यानाश करके आए हैं इधर अभी। एक्चुअली आपको अभी चावन साहब का ही चुनना चाहिए, क्या नहीं तो आपको देखो लास्ट में क्या होता है। मैं रात को गोली खाया सेरिडोन। कौन सी, 40 की क्या, 80 की? नहीं नहीं, अभी 40 की जरूरत नहीं है। बोला घोड़ा जो आहिस्ता भाग रहा था, तो बोला क्या है, बोला 40 की गोली, तो 80 की गोली डाली, जोर से दौड़ने लगा। अच्छा जी, एक छोटा छोटा ये है, बोलो बोलो। आपने कभी फॉरेन ट्रिप गए हैं तो जनरली बीच के ऊपर, जैसे बोंडाई बीच है अपना ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे दे टेक अ सनबात, संदात, तो संदात के लिए पूरा कपड़े उतार के वो औरतें सो जाती है। क्या बात कर रहे हो? यहाँ ना यहाँ बात कर रहे हो? बोला ये दूसरा ने देखा नहीं है ना। मैं बोंडाई बीच का आप जाओ, लड़की देखी नहीं। हाँ, इंटरनेट पे जाओ और बोंडाई बीच पे जाओ, इंटरनेट पे जाओ बोंडाई बीच पे देखो आप, बोंडाई बीच करके। तो वहाँ मैंने देखा है, खुद आंखों से देखा है। तो मेरे को ना घर से ना मना किया था, फिर भी गया मैं देखने। तो ऐसे ही एक बंडू क्या भगीनी, ऐसे ही जू बीच पे सोने लगी। तो अग्रवाल जी जा रहे थे, ताजे ताजे आए थे अग्रवाल जी, तो उनको देखा नहीं गया। बोला क्या यार साला, ये बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अग्रवाल जी ने अपनी हैट निकाली उसके ऊपर रख दी। बोला थोड़ा ये तो ढके साला, तो आजू बाजू वाले लोग है, खराब हो जाएंगे। अग्रवाल जी आपने किया था ऐसा? सुन रहे, सुन रहे। तो टोपी टोपी लगी। अच्छा बाद में साला वो चीनी लोग आके फोटो नहीं करते, जापानी लोग आते हैं। Look at this, look at this, the whole man is inside, the hat is on the head. खाली हेड दिखता है के। एक जंडल तो जंडल मन की ज्यादा मत करो, जू बीच में जो है वो अपना साला असली कलर है वो दिखा दो, जिंदगी सुधर जाएगी। नहीं तो क्या है वो साला, वो सज्जन जी बताते हैं हमको। अरे सुनो, सज्जन जी ने क्या बताया, राजा की स्टोरी बताई। अभी मैं राजा की एक स्टोरी बताता हूँ। एक राजा था, अभी राजा की स्टोरी बताई इसलिए बता रहा हूँ। एक राजा था, उसकी अच्छी स्टोरी चाहिए, अच्छी अच्छी स्टोरी, अच्छी स्टोरी। सज्जन जैसा है, नहीं 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 नहीं, तुम सुनो तो सही, सुनो तो सही। राजा था, अरे था एक पहाड़ था, ये सुनने स्टोरी सुनो, बाद में तुम साला जाके उधर हुतात्मा चौक पे जाके बात करोगे। मैं लिख के देता हूँ। तो क्या हो गया, राजा था, राजा की एक कन्या थी, राजा की कन्या दिखने में सुंदर, अति सुंदर, शादी करनी थी उसकी। लेकिन वो जो उसका स्पेशलाइजेशन क्या था कि 14 विद्या, जो बोलते हैं 14 विद्या और 64 कला आती थी उसको, राजा के कन्या को। तो राजा ने बोला जो आदमी, एक आदमी इसको एक भी कला या एक भी विद्या में उसको चितपट करेगा, तो मैं उसके साथ में उसकी शादी कर दूंगा। तो बहुत से राजकुमार जैसे आ गए, ये इनके बचपन की स्टोरी है। बहुत राजकुमार आ गए बहुत राजकुमार आ गए घोड़े पे बैठ के उल्टे। तो क्या हुआ, स्वयंवर जाने लगा ऐसा करता है। बट राजा ने बोला था अगर आप हार गए, आप एक भी कुछ कर नहीं पाएंगे, उसको हराएंगे नहीं एक भी विद्या में, तो मैं आपका मुंडन करूंगा, नहीं तो वॉशर निकालूंगा, वॉशर निकाल के भेज दूंगा आपको। हाँ तो हो गया। तो ऐसे जाते थे शादी साला, कोई उपवर नहीं मिला। तो बाद में फिर ऐसे जा रहे थे, सब वापिस जा रहे थे, तो एक धनगर था, धनगर का लड़का मिला उधर। उसने पूछा कि भाई क्या हो रहा है, आप क्या ऐसे दुर्मुख क्यों हैं? तो बोला ऐसा ऐसा पंड लगाया है, शादी करने के लिए गए थे लेकिन साला हम सामान खो बैठे उधर, काट दिया राजा ने साला ऐसे। हाँ काट दिया पूरा, वो वाचर ही निकाला पूरा, बड़ा कलेक्शन होगा, बड़ा कलेक्शन, अभी उसका चिंगम बनाएगा वो। तो ये हुआ। तो धनगर क्या बोला, आपका असली चीज आया अभी, सुनो।
ओए असली चीज आया है। धनगर क्या बोला, मैं भी ट्राई करता हूँ, आपने इतने लोगों ने ट्राई किया तो मैं भी करता। धनगर का आया दरबार में, आया राजा के दरबार में, बोला राजा जी मैं भी मेरा लक ट्राई करना चाहता हूँ। बोला पागल, इतने राजपुत्र आ गए, सब साले वॉशर काट दिया सबका, तू गए वापिस, तू काम कर रहा है कुछ नहीं, नहीं आप करो, मैं पॉइंट लेने के लिए तैयार हूँ। तो बोला क्या चाहिए तुमको, बोला मेरे को एक 10x12 का दीवार बना दो, 10x12 का दीवार, ओके 10x हाइट 12 की चौड़ाई, और उसमें वो गेरू बोलते हैं ना, गेरू बोलते हैं हम दिवाली के टाइम में, गेरू लगाते हैं, वो गेरू लगा दो। अच्छा, गेरू सूखने के बाद में धनगर खड़ा हो गया उधर, ऐसे ऐसा खड़ा हो गया, पोपट निकाला और लिखा सुस्वा सुस्वा, और राजकन्या को बोला गतम पूरा कर। लगा दी। एक चीज है देखो, सब कर सकते हैं औरतें, लेकिन ये नहीं कर सकते, ध्यान में रखना। सुस्वा लिखा उसने, अपना पोपट निकल के सुस्वा, आगे का गतम पूरा करो, हिम्मत है तो कैसे करेगी फिर क्या। राजकन्या लेके गया वो, तो ध्यान में रखना, कहने का मतलब क्या है, ये सुरक्षित रखो आखिरी दम तलक। बाबूराव का बोला इसको सुरक्षा कवच इधर लगा दो, ये चालू है इंजन, ये इंजन चालू है आखिरी सांस तक तो आपका। अच्छा शांति भाई, और एक अच्छा इंजन का नाम लिया तो इंजन का एक कथा बता, 80 के बाद में सर, ओए गजानन एकदम, 80 के बाद में आपके जैसा एक आदमी शादी के लिए उतावल हो गया, शादी के लिए उतावल हो गया, अमेरिकन था, तो अभी बोला मैं सांड की तरह हूँ, मैं आई कैन सेटिस्फाई एनी वन, तो साला उसने वो 20 साल की लड़की से शादी किया, क्या एकदम खुश, हाँ शादी भी किया, सो गया, एक साल में बच्चा, तो एवरीबडी ऑल द पूरे हॉस्पिटल स्टाफ आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर फादर ऑफ अ वंडरफुल चाइल्ड, ये वो ऐसा ऐसा सब हो गया। तो कुछ नहीं, एवरीथिंग इज ऑल राइट सो फार, यूर इंजिन इज रनिंग, सो फार यूर इंजिन इज रनिंग, नेक्स्ट ईयर अनदर चाइल्ड, सेम स्टोरी, इंजिन मस्ट कीप गोइंग। तीसरी बार साला हुआ, बच्चा काला हो गया, तो बाद में नर्स आई, सर अभी इंजन ऑयल बदली करो। वो साला निगरो आके कोई ठोक जाता था, इंजन ऑयल का बदली करो। भारी इतना भी डाइजेस्ट करो, ज्यादा नहीं करो, मेरे पास तो ऐसे 3 घंटे का प्रोग्राम है मेरा।